एंकल लेंथ रखवा लेते हैं स्कूल के अंदर छाप्स पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो नहीं ना सिर्फ वो छे अफोर्डेबल पीसेस जो किसी भी कॉलेज जाने वाले बच्चे का वो सेक्सी कॉमन चीज आई भैया फेस पे चिप चिप, चिप है। फेस बहुत ऑयली रहता है फेरवल पे क्या पहने है? बहुत बड़ा इशू है पहले तो बजट का इशू हाफ इंच का एक फोल्डेड क्रीज देना होता है इंटरनेट पर जितनी भी हैक्स है हमने आपके लिए रिव्यू करी है फॉर शॉर्ट टॉक सबसे पहला आता है मिलिट्री टक यूनिफॉर्म हमारे फैशन ब्रांड्स की तरह थोड़ी है कि उसमें प्रॉपर स्लिम फिट मिल रहा है या हमारे मम्मी पापा आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें दो साइज बढ़ा ले अब इसका सोल्यूशन है पेरेंट्स की बात मान क्या बात कर रहा है बेस्ट फिट कब आ सकता है जब वो एक साइज और उसमें हम पचास पे इन्वेस्ट करके उसको फिटेड बनवाए तो टेलर को ये दिखाओ प्लीज जब भी फिट करेंगे फोल्ड करने के बाद आधा इंच का मार्जिन रहे आपकी चेस्ट में एक इंच का मार्जिन हल्की खुली हो पेट से दो इंच हल्की खुली हो वो खिंचाव ना है वो दिखे ना शर्ट के साथ अगर हल्का आपका पेट है तो ऐसे पेट से फिट कराए उस पर वो चिपके ना पेट ज्यादा है तो दो साइज बड़ी शर्ट हो उसके बाद फिट

पूरा पीछे ले जाना है स्ट्रेट नीट फोल्ड देना है उसको और याद रखें जब भी मूवमेंट करेंगे आपकी एल्बो विजिबल नहीं होनी चाहिए एक्सेसरीज की जब भी बात करते हैं इट हैज टू बी ब्लैक क्योंकि हर कलर की यूनिफॉर्म के साथ इजीली चला जाता है क्लास ही लगता है जब शूज की बात करेंगे फ्लैट सोल होना चाहिए चाहिए यू शेप होनी चाहिए, प्लेन ब्लैक एंड जो लेसेस है मोटे नहीं होने चाहिए इट हैज टू बी थिन लेस वॉच आपकी क्लास बड़ आता है यूनिफॉर्म का लेकिन कैसी ले गोल्ड वॉच कभी ना ले क्योंकि वो आपके ओकेजन वेयर होती है ब्राउन लेंगे तो ब्राउन शूज भी लेने पड़ेंगे ब्राउन बैग भी लेना पड़ेगा तो बेस्ट या सिल्वर बेस्ट ऑप्शन है लेकिन कॉमन गेम में स्लीकनेस या पतली होनी चाहिए वो क्लासी लगती है स्पोर्टी में पसंद है तो ऐसी कैसी की हजार रुपए के आसपास आ जाती है सबके सस्ते लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ पॉलिस्टर वाले चमकीले रंगीले बैग आपके तीसरी चौथी क्लास तक अच्छे लगते हैं बेस्ट और क्लासी ऑप्शन आप लोगों के लिए डबल कंपार्टमेंट वाला जो स्पेशियस भी होगा आपका ब्लैक लेदर बैग तो क्या आपको लगता है मेरे को चश्मा लगा हुआ है अब वो जमाना गया जब लोग वो चश्मा लगाते थे, तो थे पड़ाकू आ गया अलाउड इन योर स्कूल और योर कॉलेज जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं स्टाइल गेम वो क्या बिल्कुल जान नहीं होती तो हमेशा डबल नॉट बांध दे इस तरीके से और दूसरा क्या उसकी परफेक्ट होती है आपके लास्ट बटन से आपकी बेल्ट तक और जो इनर टाई है वो हमेशा फर्स्ट लुक से अंदर जाएगी या आप सौ रुपए की एक्सेसरी जो हर स्कूल अलाउ कर देगा सिल्वर टाइपिन लगा सकते हैं फॉर टिका िन ई और एलोवेरा रहता है सॉ डेढ़ की आती है उसको फ्रिज में रखना है आपको जब भी जाने बैग में डाल लिया डेढ़ सौ रुपए में आपका एक मंथ ऑयली फेस का स्ट्रॉग डी परफ्यूम लगा लेते हैं और जब वॉशरूम से लगा के आते हैं और क्या होता है वो उल्टा टेंशन कर

अब इसके अंदर दो एक्टिव है सबसे पहला विज़ सालिसिक फॉर्म ऑफ बी एच ए जो भी आपका एक्टिव एक्ने करंट एक्ने है उसको ट्रीट करता है दूसरा है नियोसिनमाइट जिसका विटामिन बी थ्री क्या करता है आपका जो भी डार्क स्पॉट्स है मार्क्स है उसको फेड इसीलिए डरमागो का सारे सिनेमाइट सिरम जब भी आप नहा के आते हैं फेस वॉश करते हैं तैयार होने से पहले उसके बाद लगाया जाता है ये सिरम आपकी दोनों प्रॉब्लम अगर फेस ज्यादा ऑयली रहता है साथ साथ आपका एक्ने आपके स्पॉट्स या मार्क्स उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है थ्रू आउट योर स्कूल और कॉलेज ऑल्सो कोई भी एक्टिव इंग्रीडियंट लगाने के बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना इज इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म के साथ हेयर स्टाइल्स लेकिन ट्रेंड बोल के अगर आपको मैं ये हेयर स्टाइल्स चेप दू आपको डेली प्रोडक्ट लगाने को बता दू तो वो प्रैक्टिकल नहीं है पच्चीस से तीस दिन में यूनिफॉर्म के साथ हमेशा एक नंबर पर साइड्स और बैक को ट्रम रखे पहली बार वो ट्रेंडी लगेगा दूसरे

Old, जो स्कूल में अलाउड ही नहीं है, बनियान आती है जो दो सौ ढाई कई लोगों के वो नहीं पता लगने देते। आपकी बनियान जो दिखती है, कभी -कभी की शर्ट के बाहर वो भी नहीं दिखती रूपा चौकी के प्राइस के, ही, आपकी आ जाते है, जो आपकी पैंट के प्रिंट नहीं बनने देते हैं बहुत बड़ा इशू है पहले तो बजट का इशू दूसरी बात बजट लेके भी जाते क्या करता है पहना है यही पहनो बेस्ट लगेगा अब चमकीला से दस पंद्रह का टक्सीडो चेप देता है और बंदा कुछ ही लगता है आपा का कोई बड़ा बड़े भाई का सूट सूट पैंट की फिटिंग तो हो जाती है परफेक्ट ही तो आपको पता था अस्तर खुलवा के ऊपर की 600 700 रुपए की ब्लेजर की फिटिंग करा ले कलर व्हील पे जाके जो भी कलर का सूट है उससे ऑपोजिट उसके टाई का पूरा सेट मिलता है पॉकेट स्क्वायर आपकी टाई उसकी लेपल पिन उसके मैचिंग कफ़लिंक 500 600 रुपए का ऑपोजिट कलर का आपने वो ले लिया सिर्फ 1500 रुपए में हमने बनवा लिया वो डिजाइनर से 10 गुना बेटर सूट और हां कॉलेज में मिलता है अब कॉलेज में आते ही आ जाती है आजादी, आजादी आजादी मतलब फ्रीडम फ्रीडम का मतलब ज्यादा भाई क्या पेनो? मतलब कंफ्यूजन सबसे पहला रूल समझिए स्किनी मतलब स्किनी फैको आंदोलन बट रेगुलर या स्ट्रेट जो है वो क्यों है सबसे पहले आपकी टांगे पतली हो या मोटी रेगुलर और स्ट्रेट फिट हमेशा चले जाएंगे दूसरा क्या आप ऊपर टाइट पहन रहे हो या ओवर साइज पहन रहे हो तो भी परफेक्ट है सिर्फ वो छह अफोर्डेबल पीसेस जो किसी भी कॉलेज जाने वाले बच्चे का वो सेक्सी और कंप्लीट कर सकता है सबसे पहला क्या है आपका टैंक टॉप प्लेन फैब्रिक बनियान वाली

में हो नेवी नहीं लाइट नहीं वो सोचना पड़ता है इसके साथ जाएगी नहीं जाएगी मीडियम वॉश हर कलर के अपर के साथ जाएगी एक बोरिंग शर्ट को शर्ट बनाने के लिए आपको उसको स्टैंडर्ड बोरिंग कॉलर से स्विच करना है ट्रेंडी कॉलर पे अगर आपकी बिल्ट है मीडियम है या थोड़ी हैवी है तो क्यूबन कॉलर ट्राई कर सकते हैं वेरी ट्रेंडी वेरी नाइस अगर आपकी बिल्ट थोड़ी ज्यादा स्किनी है तो आप मैंड्रिन कॉलर ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट है पैंट जो आप ओकेजन वेयर पे पहन पाए पार्टी पे पहन पाए फेयरवेल पे पहन पाए डेट्स पे पहन पाए बुरखा पैंट जिसके साथ आपने बेसिक पोलो टी शर्ट पहनी या सॉलिड शर्ट पहने तो वो बोलेगी उसके लिए होनी भी चाहिए लास्ट चीजें बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड टी शर्ट्स न्यूट्रल कलर में मतलब शेड्स ऑफ ब्राउन ब्लैक व्हाइट ग्रे जो आपका हर बॉटम के साथ चले जाएगी सिर्फ दो शूज के अंदर पूरे कॉलेज की कलेक्शन सबसे पहले आपका व्हाइट प्लेन यू शेप फ्लैट सोल कोई टैग नहीं थिक लेसिस दूसरा है आपका चर्सी बूट तीन सौ पैंसठ दिन आपके चलेंगे समर्स हो या विंटर्स लेकिन ब्लैक नहीं ऐसा क्यों वो तो सबके साथ चले जाते कलर चला जाएगा लेकिन अगर कोई भी सटल कलर का डार्क कलर का बॉटम है कोई भी शू होता है उसका कलर निखारता है तो ब्राउन जर्सी

टू योर सनस्क्रीन सबका लिंक मैं नीचे दे रखा यू कैन ऑल्सो बाय buy ऑन डरमाकू डॉट कॉम अगर आप फॉर्मल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यूज करेंगे आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ भी मिलेगा दट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन एमेजन फ्लिपकार्ड एंड नाइक अगर आपको वीडियो मज़ा आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब